देखिए आज एक्चुअली पार्टी तो मैं बिग बॉस से बाहर आने के फिनाले के बाद ही थ्रो करने वाली थी, बट मेरी मॉम शी वॉज नॉट वेल, शी हैज़ अ स्टमक कैंसर, सो हॉस्पिटलाइज मुझे करना पड़ा, मॉम को कीमोथेरेपी करवाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा वक्त लिया मैंने, 4-5 days का। तो आज मैंने बिग बॉस 14 सक्सेस हुआ है, इसके लिए आज मैंने पार्टी थ्रो करी है। और मेरे जितने भी मेरे मित्र हैं, सोनाली जी, राहुल महाजन, विंदु जी, निक्की, जितने भी सब लोग हैं, दिबोलिना, सब लोग कहाँ हैं भाई, बुलाओ, सब स्टॉलमेंट में आ रहे हैं, ट्रैफिक है ना, सो हाँ, राहुल महाजन आ गए हैं, ये तो प्रिय मित्र हैं, इनके कारण ही तो जूली आई थी। वो ये तो मेरे प्रिय मित्र सालों से है, 1200 साल से अभी ये 1200 साल कह रहे हैं, लेकिन शरीर में इतनी आत्मा है तो रिश्ता तो 1200 साल तक ही जाएगा ना, 1200 साल। एक्चुअली बिग बॉस हाउस में इनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए थे, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को भूल गए थे, बहुत सारे ऑप्शन आ गए थे दोस्ती के, हैं तो तुम मुझे भूल गए थे, थोड़ा सा भूल गया था। तुम्हारे कारण जूली पैदा हुई है। हाँ, मेरे कारण जूली पैदा हुई थी। अब ये यहाँ पे है, इनसे बोल लीजिए, ये तीसरी बार मिले। ओह माय गॉड, मार खाएगा बहुत। हम लोग शूट्स पे काफी मिले थे, कॉमेडी शूट्स है वो, शूट्स पे मिले, इसका मतलब मुझे सलमान जी के सामने इन्होंने सेट पे कहा था राखी, सलमान जी ने जब राहुल को पूछा था कि आपको क्या लगता है एंड तक कौन रहेगा, तो इन्होंने कहा मुझे लगता है राखी रहेगा, राखी रहेगी, और मुझे कहा था कि राखी मैं अंदर जाने वाला हूँ, तू मेरे खाने पीने का हर चीज का ख्याल रखेगी क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने कहा डन, एम आई राइट? बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने इनका पूरा ख्याल रखा था, लेकिन अंदर जैसे मैं सोता था इनके कपड़े भी धोए थे मैंने, एक ही बार धोए थे और अच्छे थे, कोई फटे हुए दो बकेट भर के कपड़े धोए थे राखी, कोई फटे कपड़े थे मेरे, सच बता भी सबको, अब क्या बोलूं मैं, कहां फटा था, कितना अच्छी क्वालिटी, कहां कहां कौन से होल थे, मैं क्या बताऊं, होल था तो दिखाया, क्वालिटी देखो दिखाया मैंने, वो तो बाद में सेकंड टर्म्स में ये आए, सेकंड टाइम में, तब वो एकदम नए नए चीजें लेकर आ गए थे, ये नहीं नहीं पहले भी अच्छी क्वालिटी के थे यार, लोग गंदा समझेंगे, अब कोई अच्छा साफ सुथरा होता है तो कोई क्यों धोएगा बताओ जी। अरे कपड़े धोने के लिए होते, तुमने वो विंडो टास्क के कपड़े धो रहे थे तुम, आई स्वेयर सारे कलर मिस कर दे तूने। तुम्हें एक बात बताओ, कम से कम मुझे 20 बकेट लगे इनके कपड़े वो सब धोने के लिए, पानी विंडो टास्क के कपड़े को उसने मिक्स कर दिया था और सारे कलर उसमें मिस हो गए, तो मेरी मेरी गंदगी नहीं थी, वो टास्क के कपड़े की थी, इनके पाप मैंने धो डाले बकेट में बेसिकली, अब ये निष्पाप है। डेफिनेटली ऐसे धमाके जो आप सोच भी नहीं सकते, मैं हिंदुस्तान की एक लड़की हूँ राखी सावंत, जो हिंदुस्तान में रहकर वर्ल्ड फेमस रहती हूँ, और मैं प्योर एंटरटेनमेंट हूँ, धमाके बहुत मिलेंगे आपको, और ऐसे ऐसे रियलिटी शोज जो आप सब शॉक हो जाएंगे कि ऐसे हिंदुस्तान में कभी आए नहीं हैं, चाहे स्वयंवर हो, चाहे बिग बॉस हो, चाहे डांस के कोई शो हो, हमेशा राखी सावंत ने पहले झंडे गाड़े हैं, उसके बाद सब लोग जनरेशन स्टार्ट करते हैं, सिंगिंग शो और भी नहीं, सिंगर, आई एम नॉट अ सिंगर, सो बड़ा मैं बाथरूम सिंगर, यू नो, सो ऐसे और अच्छे अच्छे रियलिटी शोज आने वाले हैं जो हमारे देश को बहुत फायदा होने वाला है, हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बहुत फायदे होने वाले हैं, और आप लोग शॉक भी हो जाएंगे क्या ऐसे भी रियलिटी शोज आ सकते हैं। अभी बहुत मुझे ऑफर्स हैं विथ माय हस्बैंड, विदाउट माय हस्बैंड, हस्बैंड कौन है, यूरोप में है मेरे हस्बैंड, यूरोप में, अच्छा जी, डेफिनेटली मुझे अगर ऑफर आता है तो आई वॉन्ट टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर, क्योंकि आई हैव माय नोज का प्रॉब्लम एंड माय नी, दो तीन चीज़ों का प्रॉब्लम है मेरे, और अभी भी मुझे डॉक्टर बुला रहे, डॉक्टर कहते यू हैव टू ओपन नोज, करना पड़ेगा बिकॉज मेरे एक स्क्रू है अंदर, वो लूज हो गया, लूज हो गया, अच्छा राहुल महाजन दिमाग का स्क्रू मेरा लूज नहीं हुआ है लूज का, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, उन्होंने बोला 3 weeks यू नीड अगर ये मैं ऑपरेट करती हूँ तो, बट लेट्स सी क्या होता है, नोज का तो अभी मुझे पता नहीं है, बट अंदर काफ़ी इंजरी हुई थी मुझे, कल भी रात को मैं सो नहीं पा रही थी, इतना दर्द था मुझे, मैंने अभी पेन किलर खा के आई हूँ मैं, वो हर दो दो दिन में दर्द स्टार्ट होता है मेरा। मैं बहुत सारे शोज ऑफर है विथ मी,
आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय वर्ल्ड लेवल पे डांस एकेडमी, उसमें एक्टिंग लेवल से लेके मैं पूरा डांस, मेरे सारे फ्रेंड्स जितने भी बिग बॉस के और भी सेलिब्रिटी ऑफकोर्स सलमान जी, सोहिल भाई, सबका मुझे सपोर्ट रहेगा। मैं वर्ल्ड लेवल पे डांस एकेडमी और एक्टिंग एकेडमी ऑफकोर्स, हाँ पप्पू कान डांस आला जिसको बोलते हैं, जो डांस नहीं कर पाते हैं उनको भी सिखाऊंगी, गरीब घर के बच्चों को, सबको, ऐसे लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर पाते बॉलीवुड में आने के लिए, उनको भी सिखाऊंगी। और डेफिनेटली आपकी सिस्टर से सबसे हम लोग मिलेंगे और मुझे सबकी हेल्प चाहिए होगी जरूर। और जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं उनके लिए डांस के एक्टिंग स्कूल, ये सारी मैं महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के हमारे जो भाई बहन हैं सीएम जो हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि डेफिनेटली मुझे हेल्प की जाए इस बारे में। मैं तो पैदाश ही कातिलाना हूँ दोस्तों, बिग बॉस में क्या होता है ना, मैं हूँ ऐसी ही कातिलाना, मैं पैदा ही हुई हूँ कातिल, मतलब कत्ल करने के लिए, यू नो। सो बिग बॉस में तो क्या, आपके पास मेकअप प्रॉपर नहीं होता है, इतने इनफ कपड़े नहीं होते दूसरों के पास। जब मैं बिग बॉस हाउस में एंटर हुई तब मैं लखनऊ में, मेरी जो नई सीरीज आ रही है बहुत बड़े OTT पे तवायफ करके, सो जो रेखा जी ने जो प्ले किया था, उसके बाद जो मैं प्ले करने वाली हूँ उसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगी। तो वहाँ से मुझे तुरंत फ़ोन आया बिग बॉस के लिए और मैं एक दिन में लैंड हुई। मैंने कपड़े हो या मेकअप हो कोई इंतज़ाम मेरा नहीं हुआ और मैं बिग बॉस में एंटर हुई क्वारंटाइन के बाद। ओहो आ गई, ओ माय गॉड, ये देखो हमारी हॉट एंड हैपनिंग हमारी स्वीटहार्ट। हाउ आर यू कम राखी का कुछ रॉन्ग वॉन्ग नहीं बोला ना राखी के लिए? वो कभी नहीं बोलता, मेरे कोई सब मेरे दोस्त हैं, कोई नहीं बोलता। निकी कम ना, निकी बीच में आ गई, आउट बीच में, निकी को बैठना, खड़े हो जाते क्या क्या कर रहे हैं? ये हमारे बिग बॉस की देखिए निकी तमोली, आवाज आ रहा है सबको, बहुत कम बोली है ये, थैंक यू, आधा सेकंड लेट दबाने का, एंड हॉट एंड हैपनिंग, 14 पेटी हॉट लग रही हो, यही तो मैं हूं राखी सावन, अंदर कुछ नहीं था पहनने को, क्या करूं, इसका मेकअप वापस किया, हां मेकअप लाई हूं, लाई हूं वापस कर, डोंट टेल मी, या इसके लिए परफ्यूम, तुमने इसके लिए परफ्यूम लाया है? अरे आप छांद रही है निकी, आज आपको नहीं, जब तक आप अंदर नहीं रहेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि एक दिन मतलब कितना लंबा डे रहता है और आपका दिमाग अंदर काम ही नहीं करता है, आप क्या करते हो अंदर कुछ पता नहीं चलता है, आप हंसते भी हो, नेक्स्ट पल में आप झगड़े भी करते हो, नेक्स्ट पल में आप दोस्त भी बन जाते हो, नेक्स्ट पल में आप दुश्मन भी बन जाते हो, बिकॉज वही उतनी ही शक्ल है और दरवाज़ा बाहर लॉक है, तो आप अगर आपको कोई नहीं पसंद है या पसंद है, आप दरवाज़ा खोल के डोर खोल के आप बाहर जा नहीं सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अलग अलग ग्रुप्स तो रहेंगे पक्का, क्यों रखी? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो, मेरे लिए कोई ग्रुप्स नहीं है, अर्शी नहीं आई है, दैट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तुम्हारी क्या ये सांडनी थी क्या, तो ये सांडनी थी, ये वीडियो बना रहा तुमने अर्शी को ब्लॉक किया राहुल नहीं, तो मैं कह रहा हूँ एक एक बात बताने राखी के बारे में, कुछ भी हो, नो कंट्रोवर्सी प्लीज, नो कंट्रोवर्सी, एक चीज कहता हूँ मैं राखी के कुछ बार खिलाफ भी बोल रहा हूँ उसके बारे में और उसके फैंस के बारे में, तुम दोगले हो, कुछ और बोल रहा हूँ, और मैंने ये भी कहा है, मैंने बिग बॉस से भी नाराज रहा हूँ कि राखी के लिए जिस तरह उन्होंने पक्षपात किया, मगर राखी ने किसी तरह से भी ये सीजन खुद चलाया, ये बात सत्य है, तो चैनल में जितना खर्चा हुआ वो राखी की वजह से ही वापस, वो खर्चा पूरा जो नुकसान हो रहा शो वो फायदे में गया, सिर्फ और सिर्फ राखी का, भले मैं उसके जो मार्क से एग्री नहीं करता हूँ, उसके पैंथर से एग्री नहीं करता हूँ, ना तो उनकी फैन बेस से एग्री करता हूँ, पर ये एग्री करता हूँ कि राखी ने सीजन 14 चला, तुम एग्रीकल्चर हो इसलिए तुम हर चीज एग्री नहीं करते, डोंट बी चीप राहुल माजर, चलो हां चीप बातें बंद करो, आई लव माय फैंस, आई लव माय जनता, आई लव माय मीडिया, क्या बोलते हो, किस चीज का पक्षपात, इन्होंने बोला नहीं बिग बॉस
सपोर्ट किया मतलब हाँ, तुमको कितना सपोर्ट करते थे। तो अच्छी बात है ना, अगर मैं सही हूँ, सच्ची हूँ, अपफ्रंट हूँ, सच्ची हूँ, तभी सलमान जी किसी को सपोर्ट करते, बिग बॉस सपोर्ट करते हैं। एक टाइम पे मेरे लिए दरवाजा भी खोला था सलमान जी ने, जहाँ मुझसे थोड़े पीछे का दरवाजा खोल दिया था, जहाँ पे मुझसे गलती हुई थी। मुझे भी भेजा था इसको कंट्रोल करने, बहुत हार्ड है इसे कंट्रोल करने। तुमने मुझे कुछ नहीं करने दिया था भाई, 14 लाख बेटी तुम्हारी वजह से ही मैंने लिया था। हाँ, भाई 14 लाख में निकाल दिया तुमको यार, बहुत लोग नाराज हो गए। नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे जितने भी निक्की, सोनाली जी, राहुल, जितने भी मेरे अंदर दोस्त थे, कंटेस्टेंट थे, जिन्होंने अपना अपना दिमाग से अपना अपना रोल प्ले किया, मैंने अपने दिमाग से रोल प्ले किया वहाँ पर। आई प्राउड ऑफ एवरीवन, दे ऑल आर हार्ड वर्किंग, और मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया हमारे लिए। मेरा तो सेकंड इनिंग था, मुझे आना था, अपना करियर बनाना था। और देखिए, थैंक्स कहना चाहती हूँ बिग बॉस 14 को, सलमान जी को, और जितने मेरी देश की जनता है कि आई लव यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया और हम लोगों को देखा और हमारा बिग बॉस 14 को हिट किया, तो आज मैंने ट्रॉफी का ही, हमको ट्रॉफी तो नहीं मिली बट हम ट्रॉफी का ही मैंने केक बनाया है। अच्छा। हाँ, सेम केक बनाया है बट, लेकिन मेरी ट्रॉफी मेरी जनता है, उनका प्यार है, जनता का प्यार ही मिला है, वही हमारी ट्रॉफी है। और सलमान जी हमारी ट्रॉफी है, और उनका दिया हुआ ब्रेसलेट ही हमारी ट्रॉफी है। राहुल, जो मुंह पे बोले, जो दोस्त मुंह पे बोले वही सच्चा दोस्त बता। आपने सही बोला है ये बात, पक्षपात किया, बट आपको कैसे लगा कि पक्षपात किया है? वही पूछे, क्योंकि कई बार क्या होता था कि अगर ये बातें नॉर्मली बाहर नहीं बोलता हूँ, मैंने जो जो मुझे लगा, मैंने बिग बॉस से, क्रिएटिव चैनल से और सलमान भाई से बातें की, तो बाहर नहीं कहूँगा। मुझे कई बार लगा कि जहाँ राखी गलत जा रही थी, वहाँ बाकी सदस्य तुमको मेंटल के झटके लगाने हैं, इज रॉन्ग, ठीक करते थे, मगर राखी को नहीं बताते थे बात। ये मेरा दोस्त नहीं, तुम्हारे दोस्त के दुश्मन है भाई। कंप्लीट आधा आधा दरवाजा ही खोल दिया उनको, बताया एक ही बार, दरवाजा ही खोल दिया, और उसके बाद मैं सुधर गई। पैसे वसूल हो चुके। सलमान जी ने मुझे कहा था, राखी तुम मुझे वादा करो, सलमान जी ने वादा लिया है कि बाहर भी और यहाँ पे भी ऐसे कोई शब्द तुम नहीं बोलोगी, यू नो, मुझे बोला। मैं वादा करती हूँ, उस दिन के बाद मैं नहीं बोलूंगी। तुम ऐसी लड़की हुई नहीं, तुम कोई गंदे शब्द यूज करती नहीं हो। राखी को मैं जानता हूँ, वो बहुत सिंपल घरेलू लड़की है। गुस्सा आता है तो हाँ, तभी उसका चक्कर है, वो कैमरा की वजह से ही होता है ना। आप बताओ, जिस दिन राहुल भड़का था, सती सावित्री है वो, तो मैं हूँ राहुल महाजन। जिस दिन भड़के थे, आपने देखा था क्या, उस दिन मैंने पलट कर एक भी जवाब राहुल महाजन को दिया था? नहीं, मैं अपने लक्ष्मण रेखा में थी, उसकी रिस्पेक्ट करी, वो अपनी रिस्पेक्ट मेरे लिए भूल गया, लेकिन मैं राहुल महाजन के लिए कभी नहीं भूली। क्यों? क्योंकि राहुल सिर्फ राहुल ने, उनके साथ महाजन शब्द जो है उनका सरनेम जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने रिस्पेक्ट किया। देखिए, जो दानवीर और जो लेजेंड होते हैं वो हर चीज़ बताते नहीं हैं। इस हाथ से चीज़ें अच्छी करते हैं, नेक काम करते हैं, इस हाथ को पता नहीं चलता है। सो आप सब समझ ही सकते हैं। ओके, राखी जैसे कि उनका बहुत सपोर्ट है हमें, दोनों भाइयों का, सलमान भाई का, उनके सोहेल भाई का, उनकी पूरी फैमिली का सपोर्ट है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे गॉड ब्रदर्स मिले। राखी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपकी मम्मी तबीयत खराब थी और हर किसी ने आपको कांटेक्ट किया और मिलने गए, तो जब आप बिग बॉस के घर में थी तो रूबीना दिलैक ने कहा था कि राखी मैं बाहर जाऊंगी और पर्सनली तुम्हारी मम्मी का ध्यान रखूंगी और हर चीज़ में उनका साथ दूंगी, तो रूबीना दिलैक आई मिलने और फोन वोन पर कुछ बातचीत हुई? नहीं, अभी तक रूबीना, आई लव रूबीना, आई कॉन्ग्रेचुलेट कि शी डिजर्व विनिंग एंड शी इज अ फैंटास्टिक लेडी, आई लाइक हर। और मुझे तो डे वन से ही पता था कि रूबीना जीतेगी, मैं आते ही बोल रही थी रूबीना और लास्ट फाइनलिस्ट, तो अंदर बोल देती डायरेक्ट सबको बोलती थी, यू आर द विनर, यू आर द विनर, यू आर द विनर। एंड कुछ चीज़ें होती हैं, सिक्स सेंस मुझे हैं, एंड मुझे रूबीना का आज ही मैसेज आया है, आई थिंक शी इज़ बिजी विद द शूट और बाहर गई थी, बिकॉज एक बार आप बिग बॉस हाउस से बाहर निकलते हैं तो आपका दिमाग ही काम नहीं करता है, आप सिर्फ यही सोचते कि पहले मैं छुट्टियाँ मनाऊँ, क्योंकि अंदर हम लोग एकदम बंद कमरे में रहे हैं, चाहे कोई भी कंटेस्टेंट हो। मुझे भी मौका नहीं मिला, मैं तो डायरेक्ट मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, यू नो, कीमोथेरेपी के लिए। बट रूबीना ने आज मैसेज आया कि शी इज़ गोइंग टू मीट माय मॉम, एंड हाँ, वो भी एक अच्छी पार्टी थ्रो करने वाली है, मैसेज है मेरे पास रूबीना का।
एंड शी लव माई मॉम एंड मुझे भी बहुत रिस्पेक्ट किया है. देखिए हमारे बीच में जो भी छोटा मोटा झगड़ा अंदर रहा वो एक हाउस है. अरे मैं ये कहती हूँ कि आप लोग जब इतना समय एक हाउस में अंदर रहेंगे, वो 5 महीने रही, मैं 2.5 महीने रही, किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है. और थोड़े बहुत तो झगड़े होते ही हैं. अगर झगड़े नहीं होंगे तो आप लोग ये सोचोगे क्या स्क्रिप्टेड है क्या, झगड़े क्यों नहीं हो रहे. और झगड़े हो रहे तो आप लोग बोलेंगे अरे झगड़े क्यों हो रहे. तो हर चीज में हमारा कत्ल ही है भाई. आपके भाई ने ये कहा था कि जब आप घर में कमाल कर रही थी तब आपके भाई बाहर ये कह रहे थे कि अब आपकी जिंदगी पर वो एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है राउडी राखी. तो इस बात के ऊपर कुछ आगे बात बढ़ी है आप? मैं आपको इतना गारंटी देती हूँ कि कोई भी मेरे पर फिल्म बनाएगा, आई डोंट नो माई ब्रदर और क्या कहते हैं वो अपने पे फिल्म बनाने वाला, मेरे पे अगर बायोपिक बनेगी तो मुझे ऐसा लगता है मुझे हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा. उसमें मेरा बड़ा रोल रहेगा, मुझे हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा बिकॉज मेरी जो जिंदगी है निकी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल है. बट अगर निकी तुम्हारा रोल कर सकती है, मुझे मेरे जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं मीनाक्षी सावंत यार, सो मैं ये बता रही हूँ कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल होगी. मुझे अभी भी मुझे जावेद अख्तर जी का भी ऑफर आया है कि राखी मुझे तुम्हारी बायोपिक की स्टोरी बताओ. तो हम लोग फ्लाइट में बिग बॉस जाने से पहले उन्होंने कहा था मुझे जावेद जी ने, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑफर आ रहे हैं. बट मैं चाहती हूँ कि मुझे एक सही डायरेक्टर चाहिए जो मेरी लाइफ के बारे में सही दर्शकों को दिखा सके. बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ कंट्रोवर्शियल बिकॉज राकेश सावंत ऐसे नहीं बनी है. वो मतलब बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही ठोकरों का पुतला हूँ मैं. और तब जाके 15 ईयर्स मुझे लगे इंडस्ट्री में और मैं बहुत मेहनत करके आई हूँ डेफिनेटली. कैसे कैसे गुजरी.